नमस्कार। ओडिशार महावीर क्षेत्र भाव परिचित नयगढ़ जिलार दशपल्ला सहर राजराजुड़ा समय एठारे प्रभु महावीर आराध्य रूप से पूजा पाई आसुवा बेले मुक्त मंच में प्राचीन रामलीला परंपरा परिवेशन सांग को 35 फुटर रावणबद्ध परंपरा ओडिशार सर्वप्राचीन मुक्त मंच रामलीला भाव सारा देश में ख्याति अर्जन कर प्रतिवर्ष रामनवमी ठारु दीर्घ 10 दिन व्यापी एठारे अनुष्ठित होउथुबा 220 वर्षर अनन्य लंकापोड़ी यात्रा परंपरा सारा भारत रे एक विरल उत्सव भाव रे सुनाम अर्जन करिछि। एहाकु नै आमर स्वतंत्र उपस्थापना दशपल्लार लंकापोड़ी ओडिशार महावीर क्षेत्र भाव परिचित नयगढ़ जिलार दशपल्ला सहर एही दशपल्लार अधिष्ठित प्रभु रूपे प्रभु श्री महावीर विराजित अछन्ति। सबुठी पूजा पाउथवा हनुमान का अपेक्षा दशपल्लार महावीर स्वतंत्र और व्यतिक्रम। हनुमान रामचंद्रंकर पार्श्व देवता रूपरे पूजित मात्र एठारे प्रथमे स्थापित होइथिले महावीर परे रघुनाथ और सीता। महावीर एठारे पार्श्व देवता होइथिले हे रघुनाथंक ठारु उन्नत मंदिर रे अवस्थापित। अन्य पक्षे साधारणत महावीर बाम मुखा थिबा बळे एठारे महावीर गदाहस्त दक्षिण मुखा। सेहिपरि दशपल्लार रघुनाथ और सीतांकु दूररु देखिले कृष्ण और राधांक परि देखा जांती। राधा कृष्णंक परि सीताराम बंकिम ठाणी रे प्रतिष्ठित होइछंती। तेबे एही महावीर क्षेत्रर परंपरा सहित उत्तर प्रदेश वाराणसी परे भारत वर्षर द्वितीय मुक्तमंच रामलीलार ऐतिह जड़ित हो रही। राम जन्म ठारु रावणबद्ध और रामंक राजाभिषेक जाए रामलीलार समस्त रीतिनीति को नहीं एठारे विगत 220 वर्ष धरी अनुष्ठित हो आसुची ओडिशार प्रथम और सर्वबृहत मुक्त मंच रामलीला जहाँ को एठाकार प्रसिद्ध लंकापोड़ी यात्रा भाव में नामित करा जाए छी।
दशपल्लार विश्व प्रसिद्ध सरी सर्वभारतीय भारत प्रसिद्ध लंकापोड़ी जात्रार मुख्य आकर्षण होची रावण पोड़ी एथरे सबुठ बहुत बड़ होची आमर 120 फुट उच्चता विशिष्ट काठर तिया निर्मित रावण एवं विभिन्न प्रकार भूमिकार अभिनय करथिवा विभिन्न काठर मुखा सब थुआ होची से सब मुखा को पिंधिकी मध्य लोक माने आमर नृत्य परिवेषण करती जेतक कलाकार अछंती आमर समस्ते सब विभिन्न भूमिकार अभिनय करिथांती एवं सेमाने समस्ते निजे निजर सब गीत गुड़िक भल भाव सुपारित मानने मानने भल भाव परेषण कर बहुत दूर दूरातर लोक मैंने आस ये राम नाटक को देखी था इवेन कि देश विदेश अन्य राज्य बाहर लोक मैंने आसिक नाटक को देखी था। लंकापोड़ी यात्रा भावे परिचित दशपल्लार ही रामलीला उत्सव रामनवमी ठार आरंभ हो दीर्घ 10 दिन व्यापी अनुष्ठित होते हैं। सीता हरण थारु एठारे दर्शकों भिड़ जमाए एथिपाई पुष्पक जान और काष्ठर रावण तैयारी हुए। लंकापोड़ी यात्रार मुख्य आकर्षण गंडाबद्ध रावणबद्ध और 35 फुट उच्चता विशिष्ट काष्ठ निर्मित रावण और श्रीराम अभिषेक विषय वस्तु। यह लंकापोड़ी यात्रार अंतिम रात्रि रे महावीर पीठरु हनुमान बाली सुग्रीव अंगद अभिनय करुथुबा राम लक्ष्मण जांबवान रावण कुंभकर्ण विभीषण काष्ठ रावणों सह युद्ध करी इंद्रजीत ताड़का सुपर्णखा जटायु 3 किलोमीटर रास्ता पर्यंत आसी था। माया मृग आदि 21 कलाकार चरित्र काष्ठ मुखा पिंधि अभिनय करी सेपटे ही यात्रा देखापी राज्यर बहु स्थान दर्शक मानकर भिड़ जमी था। यात्रार शेष दिन में श्रीराम अभिषेक पर्व पालन पर लंकापोड़ी यात्रार समारोह हुई था। ये हूँ पाखापाखि 220 वर्ष यात्रा 220 वर्ष यात्रा भितर बहुत किसी समय बहुत समय किसी चेंजेस भी आने को चेष्टा कराई किंतु से चेंजेस केबे भी पूरण ही ना जमी आमर गोटे कथित अच्छी आम लंकापोड़ी यात्रा जो दिन रावणपोड़ीटा मंगल राति बुध पाती से मंगल राति बुध पाती मोर मन पड़ चुकी 2001 मसीह मुझे लंकापोड़ी यात्रा सेक्रेटरी थी से आमर चेष्टा कराई ये
रविवार दिन ताकु लंकापड़ी यात्रा को करिया पाए किंतु परिस्थिति एबळिया हेतला सब शुक्रवार और शनिवार दुई दिन एबळिया वर्षा एमिति भाव वर्षा लागि रहला जोटि कि आपनकर पुराना पाठ हे भी पारलानी एवं अल्टीमेटली से घुंची कि पळेला मंगलारती बुझि पांथे एवं आउ थरे भी मोर मन अछि जानकी बल्ले पटनायक आसते रंकपड़ी यात्रा को दल देखा तो रावण आपंकर जो रावण रावण काष्ट निर्मित रावण देखापी से समय भी आम सीताचरी दिन रावण उठबार हूँ आम परंपरा ये कि सीताचरी दु दिन पूर्व से उठाक चेष्टा कले जोटा कि रावण खसी पड़ा खसी पड़ भांगी भी जाता सी भी अच्छे तेणु ये गोटे ठाकुरंकर गोटे लीला चली तेणु यापर आम तो निमित्त मात्रा आम केवल ये जाचु तो से दिन आम अनुमान मुझे व्यक्तिगत भाव में सेक्रेटरी थी से मुझे फिल कर जो आपंकर रविवार दिन आपंकर होता लंकापड़ी जाते चेषा कराई लोक गहली अधिक हे बोली ये करने कि पारा ना 1802 ख्रीष्टाब्दर श्रीराम नवमी दशपल चली आसी प्रसिद्ध रामलीला और लंकापोड़ी जात्रा केतेज पाड़िया और कलाकार रामायणर पुराणा पोथी को संगीत आकार रे राम नाटकर ताले ताले प्रदर्शन करी प्रतिवर्ष दशहरारे लोककलार शुभारंभ होइथाय रघुनाथं पीठरे पोथी पूजा परे रामलीला आखड़ा आरंभ हुए एही आखड़ा अशोकाष्टमी पर्यंत चले रामनवमी ठारु लंकापोड़ी जात्रा आरंभ हुई प्रायतः 15-18 दिन धरी मंचस्थ हुए चलित वर्ष यह यात्रा 10 आरंभ हुई 20 तारीख पर्यंत चलिबो एही अवसर रे श्रीराम जन्म ठारु आरंभ करी ताड़काबद्ध सीता विवाह परशुराम काठरे निर्मित मुखा मुख्य आकर्षण पलटिछि तेबे ही रामलीलार विशेषत्व हैला एठारे आधुनिक वाद्यजंत्र व्यवहार हुए नहीं नाटक रे कलाकार माने बाणजुक्त धनु व्यवहार करी 35 फुट उच्चर काठरे तैयारी हुए रावण भेट गंडाबद्ध राम वनवास भरत मिलन वीरायुद्धबद्ध सीताहरण श्रीराम विलाप बाळीबद्ध सुग्रीव अभिषेक सीताठाव कुंभकर्णबद्ध तेबे एठारे विभिन्न कलाकार भूमिकार अभिनय करुवा कलाकार माने व्रत पालन पूर्वक एठारे अभिनय करुवा बेले प्रभु श्रीराम दिव्य लीला प्रदर्शन करी निजकु बेस आनंदित मन करुवा कहते सेपटे कोरोना महामारी प्रकोप में गत 2 वर्ष धरी एही यात्रा बंद रही थिबारु चलित वर्षर लंकापोड़ी यात्रा पई स्थानीय बासिंदा और यात्रा कमिटी सभ्यों मध्य नहीं ना उत्साह देखा मिली लंकापोड़ी यात्रा गंजाम कुलाड़गड़ जो लंकापोड़ी यात्रा जो नाटकटी ये पारंपरिक भाव ये अभिनय होई लेखाटी को राजा से आनी कुलाड़गड़ एवं यात्रा रे प्राय 150 जन कलाकार अभिनय करती आमर जो लंकापोड़ी यात्रा हुए राम जन्म ठू आरंभ करी लंकापोड़ी अभिषेक पर्यंत बहुत तार नीतिकांति अच्छी कौन नीतिकांति अच्छी प्रथम नीति है सका जो भक्त मैंने उपाधि दिखती सी सका आसती प्रथम महावीर की माजणा करतीपर राम सीता माजणा करती ये ठाकुर वस्त्र लगि हुए वस्त्र लगि सरकार दीप बसा जाए और भोग लगि कराए भोग लगि सरलापर जोबले सुखुड़ी भोग हुए अलग ये सुखुड़ी मध्य से लोकर भोग कराए बहुत लोग मानसिक करी ये भोग हे करती जो 10 दिन जो आम महत्व रही सका जो रही अलग स्वतंत्र गोटे हुए बल हुए तापर 10 बेले सुखुड़ी भोग हुए संध्या बेले पणा भोग हुए
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁରୀପଣା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇ ଯେତେ ଦିନ ଆମର ରାମ ଜନ୍ମଠୁ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀପଣା ଭୋଗ ହୁଏ, ବଡ଼ ଗଜମା ଚକମା ଆଉ ପୁରୀ ପଣା, ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତୀ ପରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେପଟେ ଉପାଧି ହେଉଥିବ ଉପାଧିର ଭୋଗ ଲାଗେ। ଦଶପଲ୍ଲା ସହରରେ 220 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ମହାନ ମୁକ୍ତମଞ୍ଚ ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା ସାରା ଭାରତରେ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।